हम तैयारी कर रहे थे, शुक्र है, शुक्र दिला अल्हम्दुलिल्लाह, अभी घर बैठे थे हमारे हमें। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सियात फिट है। और ये लाग नहीं रही अभी, शुक्र मिल गई है तो डिवोर्स भी होने। मम्मी को जाना क्या कह रही हो? ये नीचे पानी है, इसको मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जान भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएँ। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद है, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग होता है शुरुआत, चलते हैं अपनी वीडियो की तरह। वीडियो जो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनने वाली है, बहन है हमारे साथ। और आज जो है ना ईद का तीसरा दिन है, मेरी तरफ से तमाम देश प्रदेश पाकिस्तान जहाँ कहीं मुझे देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के जो मुल्क हैं बाहर, उसको तो उनकी तो ईद आज ख़त्म हो गई होगी, तो पाकिस्तान में जो है ना आज ईद का तीसरा दिन है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर हो खुशियाँ हो, आपको अल्लाह पाक नसीब करे और मुबारकबाद दी हो, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सियात फिट है। दूध ले आयो? दूध का दही है। दही है? हाँ जी, मैंने तो दूध बोला था। नहीं दही का, दूध दूध क्या करेंगे? दूध पियेंगे, दूध का पियेंगे, खाने के लिए क्या करेंगे? लस्सी पियेंगे। अच्छा जी, लस्सी पीने आए? हाँ जी, इसलिए दही लेकर आयो। हाँ जी, लग तो ऐसे रही है जैसे दूध हो, देखे पतली पतली सी लगता है। आज उन्होंने इसको खट्टा नहीं किया आज इसको ना उन्होंने मीठा कर दिया है। बस जो भी है जो भी है बस आ गया, इसके पैसे पड़ गए हमारे ऊपर। चलें जी, देखते हैं ये शापर से जब निकालेंगे बनाएंगे, खट्टी होगी तो फिर फेंक देंगे, मीठी होगी तो फिर खा लेंगे। सही है, चलो इसको फ्रिज में रख दो। ओके आ गया जी। चलो जी, मौज़म अली दही लेके आ गया था। और मैं ना सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, फिर मुझे खड़े होने की फुर्सत नहीं होती, ऐसे मेरी टांकें कांप रही होती है। तो दुआ सलाम लिया है ना, मैं भी होश होने वाली थी, फिर मैं चारपाई के ऊपर बैठ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आगे फिर चलते हैं। गाड़ी का पहिया चलता रहेगा, चलता नहीं है तो घसीटेगा, घसीटेंगे इनको, जिंदगी है ना, हाय जिंदगी। यहाँ पर जी आटा गूंदा जा रहा है, और मैंने आज तंदूर भी जलाना है, क्योंकि पहले जो है ना रोटी थोड़ी बनानी पड़ती थी ना, फिर तंदूर नहीं जलाती थी, बस सिलेंडर पे बना लेती थी। ये ईद के दिन जो दो तीन दिन गुजरे हैं ना, इसलिए तो आज सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तंदूर भी जलाना है। चलो अल्लाह पाक खैर करें, पहले जाना अपना वो दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में झाड़ू आ गया, जब तक आटा गूंदते हैं ना मैं झाड़ू लगा। एक कमरा, दो कमरा, ये गैलरी, ये पोचे, ये झाड़ू, ये सब कुछ मैंने तो करने हैं ना, और किसने करने हैं? चलेंगे एक हाथ से तो मेरे झाड़ू होगा, मैं मोबाइल कैसे उठाऊंगी? मोबाइल साइड पर रख दूंगी, लगाऊंगी झाड़ू, ठीक है? बोकर कहते हैं, झाड़ू कहते हैं, बुहारी कहते हैं, क्या कहते हैं यार, इतने सारे इसके नाम हैं, कैसे हम बोलें? अच्छा सराय के सब बुहारी देने पे उर्दू आदत झाड़ू लगा रहे हैं,
पता नहीं बेग का होने वाले बोकर फेर रहे हैं बोकर कपाल बहुत पता एक एक चीज़ के दस दस नाम। चलो जी इंजॉय करें माशाल्लाह जी झाड़ू वगैरह जरा लगा दिया कि पोछा लगा रही हूँ पोछा मेरा जरा मेरे टूट गया है इधर की डंडी और ये लग नहीं रही इसलिए ऐसे इसको यूज कर रही हूँ कोई बात नहीं है हो जाएगा। उस कमरे में जो है ना पोछा लगा दिया बारी आती है इस कमरे की जल्दी भी होना है दो उंगली में जा गए काला में पांच हो रहा हम चले जी इस गैलरी तक जो है ना अंदर के मुकम्मल सफाई हो गया झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है ओकड़ी मच गई है। अभी जो है चलते हैं लकड़ी उठाते हैं फिर चलते हैं मड हाउस में उधर तंदूर जलाते हैं और आपने जाना कहीं नहीं हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना जल्दी करो हमने उधर आना है। एक तो जो बच्चियां कैमरे के सामने नहीं आती ना वो भी ज्यादा तंग करती है। पोछे को धो लेते हैं हाथ भी धो लेते हैं फिर जाएंगे आगे की तरफ। इसका पानी जो है ना वो क्या कहते हैं लुच जाएगा फिर जब ये सूख जाएगा ना फिर कमरे के अंदर रखेंगे।
कपड़े के अंदर कहाँ सजा रखे तुम, किसी साइड पे रखे तुम। पूरे लगे हैं, मैं कुहाड़ी ढूंढते 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 कुहाड़ी नहीं मिली थी, अभी शुक्र मिल गई है। तो डिहोश भी होने वाले थे, अभी उठा लिया, अभी चलते हैं लकड़ी काटने। अभी जो है मैं लकड़ा काट रही है, और लकड़ा काट के फिर जाएंगे तनूर जलाएंगे, तनूर जला के फिर लट्टे पकाएंगे और फिर जो लस्सी बनाते हैं, और वो तो आपने पहले देखा होगा। तो आज जो है हमने जाना है कहीं, नहीं अभी नहीं बताता, जब प्यार से काट के वहाँ जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। दो घर में जाना है, ढूंढो कौन से दो घर होंगे। अच्छा वो तो बाद में, अभी जो है ना हमें लकड़ा काट रही है, तो जब लकड़ा काट लेगी तो फिर जो है ना जाएंगे तनूर पे। अभी यहाँ से उठाते हैं कुल्हाड़ी, ये पड़ी है, चलते हैं घर, घर जाके इसको रखेंगे और फिर जाना अम्मी को, जाना अम्मी लकड़ा लेके फिर जाएगी वो उधर तनूर पे, तो वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे। तो अब इसको रखने जाते हैं घर में, करते हैं यहाँ पे इस जगह पर, और फिर जो है ना उधर चलते हैं अमेरिका। अभी अभी वो देखें लकड़ियाँ लेके आ रही है, लेके आ रही है, और फिर जाएंगे उधर मड हाउस में। हाँ जी, अभी तो जा रहे हैं, कांटे मुझे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो और गेट खोलो ना दो। कौन लग
आगे चल रही है। अल्लाह खैर करे, मुझे इस चीज़ का डर लगता है। दूध जो है ना माशाल्लाह हमारा जल चुका है और मेहरान मुझे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। चाचू मोहियुद्दीन के घर चला जाओ, उधर से नॉर्मल ठंडी पानी की बोतल ले, ज़्यादा ठंडी नहीं लेकर आना और साथ में गिलास भी ले आना। ठीक ठीक है, अभी जा रहे हैं मोहियुद्दीन के घर। और ये खोल के गेट, चाची तो वीडियो में आती नहीं है, तभी दादी हम जा रही थी तो अभी कैमरा करते हैं बंद करके। चाचू ये मैंने ले आया हूँ, मम्मी को भी दे दिया है। हाँ जी, अभी बैठ के पीते हैं। तंदूर की लकड़ियाँ जो है ना वो मैंने डाल दी है। क्या कह रही हो? मैंने आपने भी पानी पीना है, आवाज़ लगा रही है। ऐसे प्यारी प्यारी बात करती है, ये बात करते लेकिन हमें समझ नहीं आती ये क्या बोल रही है। जी जी, खाना चाहिए। चूचे इधर पड़े हैं, इसको भी निकाल। चलो निकलो 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 निकलो, दिल नहीं कर रहा निकलने के लिए। चलो बीमार है लगता है ये सफेद वाला। चला जी, मुर्गियों को निकाल दिया है, आप घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे। ओके ये तो बर्फ बनी हुई है, ये कैसे निकालेंगे? ये नीचे पानी है, इसको मारोगे गर्दन जो भरी पड़ी है। हैदर इधर था, हैदर को ले जो, आपकी मम्मा रोटी बना के आ रही है, बुला रही है। मुश्किल हमने वो दिखा, वो कुर्सी है पानी वाली ले आते हैं, आप बर्फ वाली क्यों ले? पानी वाली नहीं थी मम्मी, रोटी और सालन है। पानी डाल के ले आओ।
मक्खन गायो आ गया, इतनी ना बनाया करो ना। किसने बनाया था? सवेरा ने। कुछ हल्का हल्का बना के ना उसमें ठंडा पानी डाल के फिर थोड़ा सा हिला के कच्चा पका रख दिया करो ना बोतल से, फिर आसानी से ये मक्खन तो निकल आया, ऐसे गाय का ना हो जाए। जाना सीधे होके बैठो, जाना इधर बैठो सीधी, ये लो आपकी रोटी, ये लो। ये लो एहसान, मोबाइल बीबी पीछे हो जाओ, चलो खाना खाओ, मोबाइल मुझे दो, ये आपकी लस्सी है गिर जाएगी। एहसान मोबाइल अभी बंद करके मुझे दे दो, मैंने आपको बोला नहीं था जब रोटी आ जाएगी ना फिर आपने रोटी खानी है, ये लगाए अम्मा ये आपकी। पहले खाना खा लेना चाहिए बाद में ये। कितने क्या चाहिए? सारा ये कॉली ये खत्म कर लो ना फिर और देती हूँ। माशाल्लाह जी अभी हम तैयारी कर रहे थे, शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर बैठे थे तो हमारे यहाँ मेहमान भी आ चुके हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। वैसे इन्हीं वीडियो में जो है ना हमने मिल लिया ईद मुबारक दे दिया, लेकिन देखने वाले बहन भाई मेरे जो है ना वो देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि आयशा और सादिया को इन्होंने ईद मुबारक नहीं दी, और सादिया आयशा आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आज हमारे यहाँ ईद का तीसरा दिन है तो आज जो है ना ये अलविदा कर रही है आयशा ना आयशा जी, तो और सुना तबीयत से ठीक है जी, घर में सब ठीक है? सब ठीक है। मेरी सिस्टर क्यों नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं। आपकी सिस्टर बीमार है। बीमार है जी, उन्होंने गोश्त ज़्यादा खा लिया क्या? लगता था ऐसे ही लगता है कि पक्की बात है, गोश्त मैंने खाना नहीं था ना, वो डॉक्टर ने मना किया। अच्छा और क्या? उन्होंने कहा है कि दुनिया की हर चीज़ आपके लिए हराम है, सिर्फ चावल देना है।
चावल खा दी रहा बाद में। पहले गई थी तो उन्होंने चावल बताया था, 3 दिन चावल खाओ बाद में आना। चावल 3 दिन खाया फिर गई, आपको चावल किसने खाया? पता नहीं भूल गया था, पता नहीं क्या उसने कहा कि चावल आपको किसने खाया, 3 दिन चावल खाओ। आपने कहा तो बाद में उसे याद है, हाँ जी मैंने बताया था। ये कैसा लगता है इंसान निकालता है। और सुनाए बैठो तो सलाह करो, गर्मी है बहुत ज्यादा बाहर, जल्दी क्या है जाने की, अभी तो आ रहे हो गर्मी में आए हैं, फिर गर्मी में चले भी जाएंगे। शाम को जाना, पहुंच गए हैं सही सलामत घर पे, पहुंच गए। आना होता है अपने बस में, जाना होता है दोस्तों के पास। सही बात है, तो सही बात है, क्योंकि अभी आए हैं ना, तो टाइम देख लो, टाइम देख के ना फिर बताऊंगी। हाँ 12:10 हो गया, 12 बजे कौन निकलता है धूप में, इतनी कड़क धूप गर्मी में। 1 बजे इन्होंने जाना है, 4 बजे फिर मौसम जो है ना ये धूप वगैरह ठंडी हो जाती है, गर्मियों के दिन है ना, तो ये 12:01 को क्या फर्क है। हाँ जी आप नहीं आए ईद मिलने, हमने कहा वो तो नहीं आते, चलो हम चले जाए। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। हम भी तैयारी बना रहे थे, बस थोड़ी ना मसरूफियात ऐसी थी और तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई थी ना, हमने किसी के हाँ नहीं गए अभी तक भी, आज तीसरा दिन है ना, किसी को ईद मिलने नहीं गए, तो आज कोशिश कर रहे थे, हमने कहा आज निकलते हैं अपने रिश्तेदारों में कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी 12 बज चुके हैं, अभी तक सुकून है, कुछ पता नहीं है कब निकलेंगे। बच्चे जो है ना अभी रेडी हो रहे हैं, तो आपका भाई तो आपको पता है पूरी रात जागता है, तो फिर सुबह जो है ना 6 बजे सोता है, 12:01 फिर उसकी नींद जो है ना कुछ पूरी हो जाती है, फिर उठता है, नाश्ता भी करता है और कोई इधर उधर आने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। सही है, मजा वाली। चलो बोतल ले आओ, माशाल्लाह से मेहमान आ चुके हैं, बोतल इसको पिलाते हैं, ठंडा इसको करते हैं, फिर बाद में जो कहेंगे खाना वाना बना लेंगे, ठीक है। ओके जी जी, तो प्यारे बहन भाई वीडियो जो है मेरी हमारी हो चुकी है कम्प्लीट, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और प्यारे से कमेंट भी करना है। तो अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे शाम वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पा जिंदाबाद, साबन भाई जिंदाबाद, ओके बाय।